ಪವನ್ ಚೌಹಾಣ್ ಇವರು ಒಟ್ಟು 39 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಚೌಹಾಣ್ ಇವರು ಒಟ್ಟು 39 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकदम है। आज कुछ अहम बातों का तस्करा करते हैं। आज बेलगाम कॉरपोरेशन मेयर डिप्टी मेयर चुनाव मुकम्मल हुए। मेयर सविता कांबड़े और डिप्टी मेयर आनंद चौहान जो वार्ड नंबर 45 तिलकवाड़ी को बनाया गया। सविता कांबड़े जो एक गरीब सफाई मजदूर के पस मंजर से होने की बात कही जा रही है और भाजपा की जानिब से सविता कांबड़े जो सदाशिव नगर 39 नंबर वार्ड की कारपोरेटर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही है, इन्हें बतौर मेयर के ओहदे या कुर्सी पर बिठाना बड़ी बात ही कह सकते हैं। इन तमाम के दरमियान जो बातें काबिले गौर थी उनका जिक्र यहाँ पर बहुत जरूरी है। वो है मजहबी नारों को काउंसिल हॉल में लगाना। एक मजहबी नारा कैसे सरकारी नारा बनते जा रहा है और इस पर कोई एतराज भी नहीं करता। बेलगाम कॉरपोरेशन में आज मेयर डिप्टी मेयर चुनाव हुए। कांग्रेस के वैसे भी कुछ कॉरपोरेटर्स और लीडर्स गैर हाजिर भी रहे और जो हाजिर थे इनका भी कुछ अहम किरदार था, ऐसी भी बात नहीं थी, क्योंकि बेलगाम कॉरपोरेशन में भाजपा की अक्सरियत पहले से है। मेयर या डिप्टी मेयर भाजपा से ही होने वाले पहले से तय था, क्योंकि अक्सरियत भाजपा की ही थी, ये अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। पर कुछ गैर संवैधानिक बातें आजकल देखने को मिल रही है। कोर्ट के गेट पर भी भगवे झंडे देखे थे हमने, जबकि इस इलेक्शन के या तो फिर उससे पहले भी हमने देखे थे। नई नई रस्म ईजाद की जा रही है और ताज्जुब तो इस बात पर भी होता है कि विपक्ष तमाशगीर बनकर खड़ा रहता है। आज भाजपा की जानिब से भगवी पगड़ियां पहनी हुई थी। खैर, इस बात तक तो वो ठीक है, वो पहन ले, कोई एतराज नहीं। लेकिन पहली मर्तबा काउंसिल हॉल में जय श्री राम के नारे लगाए गए, क्या चुनाव के वक्त इस तरह के धार्मिक नारों को जगह होनी चाहिए? यकीनन धर्म मजहब की ही आजकल सबसे ज्यादा चलती है। न्यूज चैनल टीवी अखबार तो किसी एक धर्म मजहब के खिलाफ कुछ बोलते नहीं। ऐसा एक दिन भी तो छोड़ो, एक प्रोग्राम कोई खबर नहीं चलती। जो भी सियासी कार्रवाई या फिर मेयर डिप्टी मेयर के लिए कितने वोटों की जरूरत है, कितने वोट किसे मिले या कौन जीता कौन हारा, अपने दायरे में मुकम्मल होता रहता है। पर क्या इससे पहले भी इस तरह के नारे काउंसिल हॉल में लगाए गए थे? क्या वहां के अफसरान इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? रीजनल कमिश्नर हो, चुनाव अधिकारी हो, या वहां पर जो बैठे हुए कमिश्नर या अफसरान जो भी है, या फिर विपक्ष के तमाम कारपोरेटर्स वहां मौजूद थे, चुनाव में इस तरह के नारे लगाए जा सकते हैं या नहीं, इसका इल्म या प्रोटोकॉल की मालूमत इन्हें नहीं थी? जबकि एमआईएम के शाहिद पठान भी वहां मौजूद थे, क्या इन्हें भी इन नारों पर एतराज नहीं? किसी धर्म मजहब के नारे चुनाव के वक्त नहीं लगाए जाते, इस पर धीमी आवाज में चर्चा वहां देखने को मिली। और हमने कुछ लोगों से भी पूछा, जब मैंने कुछ लोगों को आप क्यों नहीं बोलते, तो जवाब यही दिया गया कि जब विपक्ष को यह एतराज नहीं है तो हम क्यों आवाज उठाए और फिर हम ही क्यों निशाने पर आ जाए। इस पर तबसरा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक नई रस्म शुरू होती जा रही है और ये आगे चलकर तशद्दुद का सबब बन सकती है। मुल्क की मरकजी सियासत से लेकर कॉरपोरेशन और पंचायत चुनाव तक धर्म दाखिल हो चुका है। बिना किसी धार्मिक नारों के कोई चुनाव आजकल मुकम्मल नहीं हो रहा। आजकल तो अदालत के दायरे में भी धर्म दाखिल हो चुका है, लेकिन क्या कुछ कानूनी संवैधानिक दायरे है भी या नहीं? सार्वजनिक जगहों पर किसी भी धर्म के नारों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, पर विपक्ष की खामोशी अक्सर भाजपा के तमाम मामलों के हिमायत साबित कर सकती है। मुरगेश निरानी, आज भाजपा के जो लीडर वहां पर मौजूद थे, कॉरपोरेशन में ही बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस अब बहुत दिन की मेहमान नहीं है, इनकी हुकूमत टिकने वाली नहीं है, इनके अंदरूनी इख्तलाफात ही इनके गिरने की वजह बन सकती है, भाजपा को इसमें ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं, ऐसा भी इस वक्त उन्होंने कहा। अब इस खबर को, यानी कि जिस तरह से नारे मजहबी वहां पर लगाए गए, इस खबर को शाया करने के बाद बजाय जिन लोगों ने नारे लगाए उन्हें शो कॉज नोटिस थमाकर क्या संवैधानिक दायरे में नारे लगाए पूछने के बजाय पुलिस महकमा हमें ही सवाल कर सकती है कि इस तरह की खबरें क्यों बनाई जाती हैं। और ये एक तरह का मामूल बनता जा रहा है कि सवाल ताकतवरों से करने के बजाय कमजोर से ही किया जाए और उसे ही दबाने की कोशिश किया जाए, लिहाजा हमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम जब गैर संवैधानिक हरकत जहां भी नजर आती है हम सवाल जरूर पूछेंगे। एक और वारदात पिछले हफ्ते पेश आई थी, मैंगलोर में कॉन्वेंट स्कूल में देवी देवताओं पर तोहीन आमोश टिप्पणी को लेकर एक हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया था, जिसके बाद कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड भी किया गया। उस वक्त की एक तस्वीर और भी थी जो आप वीडियो पर देख सकते हैं। उस वक्त छोटे बच्चों को लेकर वही धार्मिक नारे लगाए गए थे और स्कूल के बच्चों को जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर कर दिया गया था,
जिस पर आज मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले में दो कारपोरेटरों को संदीप गरोड़ी और भरत कुमार और बजरंग दल का नेता शरण पंपवेल के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। धार्मिक नारे स्कूल के सामने लगाने पर भी एक मामला दर्ज किया गया, मतलब दो मामले यहां पर दर्ज किए गए। मैंगलोर दक्षिण कन्नड़ जिला में कॉन्वेंट स्कूल के सामने लगाए गए नारों को इसी रियासती यानी कि कांग्रेस हुकूमत ने संजीदगी से लेते हुए मामला ताजिरात हिंद दफा यानी कि आईपीसी की दफा 143, 153 ए, 295 ए, 505 दो, 506 और 149 के तहत मामले दर्ज किए गए। बेलगाम कारपोरेशन में भी धार्मिक नारे लगाए गए, तो इस पर भी कार्रवाई हो सकती है क्या? इस तरह की चर्चा शहर में देखी जा रही है। भारत का संविधान सबसे ऊपर है, संविधान के विरोध में कोई भी हरकत होती है तो उसे जुर्म ही माना जाएगा, फिर धार्मिक नारा ही क्यों ना हो। लिहाजा कांग्रेस का इस पर खामोश बैठना और खासकर उर्दू कारपोरेटरों का भी खामोश रहना समझ से बाहर ही कह सकते हैं। किस तरह संविधान को पसे पुष्ट डाला जा रहा है, फिर किस मुंह से हम संविधान की कसम खाते हैं और संविधान की हिफाजत और तहफुज की बातें हम करते रहते हैं। धार्मिक नारों की अपनी जगह होती है जहां लगाए जाते हैं, लिहाजा कारपोरेशन काउंसिल के उसूलों की इस तरह पामाली पहली मर्तबा देखने को मिल रही है। एक वक्त हुआ करता था जब उर्दू मराठी कन्नड़ तीन जुबान जो उमूमन बेलगाम शहर में बोली जाती है मोहब्बत आखोत का मुजहरा देखने को मिलता था, लेकिन पिछले कुछ अरसे से माहौल बदल रहा है, शहर की तस्वीर बदल रही है। इससे पहले भी चुनाव हुए हैं, इसके बाद भी होंगे, लेकिन कहीं तो धार्मिक नारों को जानबूझकर दरमियान में लाकर कुछ लोग दरारों को फासलों को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कार्रवाई होगी या अब इसे भी एक नई रस्म की तरह नजरअंदाज किया जाएगा और ये चलता ही रहेगा, इस तरह की बातें होती रहेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा। लेकिन इतना जरूर है कि पहली मर्तबा धार्मिक नारों के बीच मेयर डिप्टी मेयर चुनाव को मुकम्मल किया गया। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।